नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त उमेश पांडे यूनिक एडलैब यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कोरलडा बेसिक ट्यूटोरियल के लेसन 4 में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट शेपिंग के बारे में। तो इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट शेपिंग से। जैसा कि दोस्तों लेसन 3 में हमने आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाना बताया था, ऐसा करते हैं कि आप शेप्स बनाना अब तक सीख गए होंगे। तो हमने यहाँ पर एक एलिप्स और रेक्टेंगल बना के रखा हुआ है जिसके द्वारा हम आपको ऑब्जेक्ट शेपिंग के बारे में समझाएंगे। ऑब्जेक्ट शेपिंग में हमारे कितने कमांड्स होते हैं, पहला वेल्ड, दूसरा ट्रिम, तीसरा इंटरसेक्ट, चौथा सिंप्लीफाई, पांचवा फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट, और इसके अलावा एक कमांड और होता है जिसे हम बाउंड्री बोलते हैं। तो आइए एक एक करके इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कोरलडा में वेल्ड क्या होता है। वेल्ड के द्वारा हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ सकते हैं, यानी वेल्डिंग कर सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक एलिप्स और एक रेक्टेंगल। हम दोनों को यहाँ पर रख लेते हैं और वेल्ड करने के लिए हमें दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि हम यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर चुके हैं, अब हम इसे वेल्ड करने के लिए ऑब्जेक्ट मेनू में जाएंगे। ऑब्जेक्ट मेनू, और शेपिंग में जाएंगे और यहाँ पर वेल्ड कमांड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये हमारा टूल्स मेनू में भी वेल्ड ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ से भी आप वेल्ड कमांड यूज कर सकते हैं। सिंपली हमें इसे इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट हमारे वेल्ड हो गए, यानी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए। बहुत ही आसान है वेल्ड कमांड। हमारा सेकंड कमांड है ट्रिम। ट्रिम मीन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को हम कट करते हैं। हमारा दूसरा कमांड है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड मीन्स हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कट करते हैं। यहाँ पर हमारे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मान लीजिए हमें इस ट्रायंगल से इस एलिप्स को कट करना है। हम सबसे पहले ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एलिप्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ट्रिम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये एलिप्स इस ट्रायंगल के हिसाब से ट्रिम हो जाएगा, यानी कट हो जाएगा। तो इस तरह हम ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं। हमारा अगला कमांड है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के द्वारा हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कट करके अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। इसको हम सेलेक्ट करके दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पास रख लेते हैं और इसे सेलेक्ट करके ट्रायंगल को एलिप्स पे हम दोनों सेलेक्ट कर लिए शिफ्ट प्रेस करके, और इंटरसेक्ट पे जाकर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट तीसरा तैयार हो गया। इस तरह से हम इंटरसेक्ट से ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम यदि
येलो ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे यानी इलिप्स को पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लिए और इंटरसेक्ट पर क्लिक कर दिए तो हमारा ये अर्धचंद्राकार इलिप्स बन के तैयार हो गया। तो इस तरह हम इंटरसेक्ट का यूज कर सकते हैं। हमारा अगला कमांड है सिंप्लीफाई। ये दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। हम पहले रेड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद येलो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए और सिंपली गए यहाँ पर सिंप्लीफाई कमांड पे और उसे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये सर्कल इस ट्रायंगल के हिसाब से सिंप्लीफाई हो गया यानी कट हो गया। हमारा नेक्स्ट कमांड है फ्रंट माइनस बैक एंड बैक माइनस फ्रंट, यानी फ्रंट माइनस को हम बैक कर सकते हैं और बैक माइनस को फ्रंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो लेयर्स हैं, एक एलिप्स का एक रेक्टेंगल का। हम यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके और हम फ्रंट माइनस बैक का यूज करेंगे तो हमारा जो फ्रंट ऑब्जेक्ट है वो बैक ऑब्जेक्ट के हिसाब से कट हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा कट हो गया। कंट्रोल जेड से हम फिर वापस आ गए और यदि हम बैक माइनस फ्रंट को क्लिक करेंगे तो हमारा फ्रंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से बैक ऑब्जेक्ट सेप हो जाएगा यानी कटिंग हो जाएगी उसकी। इन दोनों कमांड से हम फ्रंट और बैक ऑब्जेक्ट का ट्रिमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑब्जेक्ट शेपिंग में लास्ट कमांड है बाउंड्री। हम किसी भी तरह का एक तीन चार ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। और इन सारे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब हम सिंपली जाएंगे बाउंड्री क्रिएट बाउंड्री कमांड पे और उसे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो बाउंड्री लाइन है ये हमारा एक बाउंड्री बन के यहाँ पे यानी आउटलाइन बन के तैयार हो। तो हम इस तरह बाउंड्री कमांड का यूज करके विभिन्न ऑब्जेक्ट यानी कई ऑब्जेक्ट का एक बाउंड्री तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट शेपिंग कमांड्स के द्वारा हम अपने ऑब्जेक्ट का शेपिंग चेंज कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग शेप बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो ये लेसन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।